People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals, asking answers to those. चलें जी, मैं आखिरकार पहुंची हूँ। ठंड है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा आज की ज़रा वीडियो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेटेड है, पीछे मेरे मस्जिद है, इसका नाम है कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर, जो कि पहले सेंट पॉल्स चर्च हुआ करता था। तो यूके के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि चर्चेज़ जो हैं वो मस्जिदों में, घरों में, पब्स में या दूसरे इवेंट एक्टिविटीज़ में और इवन रेजिडेंशियल एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी एक मिसाल ये चर्च है। इसका नाम, मैंने नाम रिलीजियस टॉलरेंस इस वजह से रखा है क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं इस चीज़ को मैटर नहीं करते किसी की, अगर आप एक लीगली तौर पे टेक ओवर कर रहे हैं चर्च का तो लोग इस चीज़ को मैटर नहीं करते हैं। आपको अलाउ किया जाता है, काउंसिल की तरफ से प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें साल लग जाता है, साल से ऊपर भी लग जाता है, आपको चर्च दे दिया जाता है कि आप एज अ मस्जिद इसको रन कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों चर्चेस कन्वर्ट हो रहे हैं पब्स में, मस्जिदों में, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यहाँ के खुद लोग हैं। जो हुकूमत है वो थोड़ी अमाउंट में पैसे देती है हर चर्च को, ठीक है, जिससे उनका गुजारा इतना ही हो सकता, लेकिन जब लोग ही आना छोड़ दें चर्चों में तो असल इशू तब स्टार्ट होता है। लोग नहीं आते, डोनेशंस नहीं देते, अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पे चर्च की रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और आपके पास पैसे होते नहीं है देने के लिए, तो चर्चेज जो होते हैं अल्टीमेटली कुछ अर्से बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ये भी है कि चर्चेज अगर मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं तो लोग भी टॉलरेंट हैं, लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करें, क्योंकि उसी की सी बात, अगर वो खुद नहीं चला सकते तो कोई दूसरा तो चला सकता है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई लड़ाइयाँ हो जाएँ, जंगे हो जाएँ, फसादात शुरू हो जाएँ कि भाई क्यों चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कसूर तो लोगों का ही है। जब आप चैरिटी नहीं देंगे, आप अपने चर्च में नहीं जाएंगे, उसको डोनेट नहीं करेंगे, तो चर्चेज अल्टीमेटली बंद होंगे। इसीलिए मस्जिदों का जो कल्चर है उसके अंदर भी आप देखो तो चंदा वगैरह चलता है ताकि उसके सिस्टम को रन किया जा सके। तो ये तो यहाँ के मैंने देखा, जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे तो बिल्कुल भी इसकी वैल्यू का नहीं पता था कि मस्जिद में चंदे देते थे, मैं कहता यार ये क्या काम कर रहे हैं, क्यों चंदे मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ के आपको पता चलता है कि अगर आप फाइनेंशियली अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट नहीं करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे उनका क्लोजर स्टार्ट हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन लकीली अभी मुस्लिम्स जो हैं वो इस कदर ऐसे नहीं हैं कि वो अगर कहीं मस्जिद बननी है तो उसको सपोर्ट ना करें। आप जहाँ भी मस्जिद बनते देखेंगे, हमारे यहाँ पर मस्जिदों में लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनानी है, उसके लिए फ़ंड्स चाहिए, चैरिटी चाहिए, तो लोग दिल खोल के देते हैं। यहाँ पर मस्जिद की बड़ी वैल्यू है जो यहाँ के ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं उनकी नज़र में, क्योंकि वही एक जगह है जो उनके साथ कनेक्शन का एक जरिया है कि जहाँ जाके वो खुदा से कनेक्ट भी होते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं और वो अपने आप को एज अ माइनॉरिटी लेते हैं। तो इसलिए जब आप माइनॉरिटी अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी अपने जो नेशनैलिटी होती है, आपको जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो आपका रिलीजन हो चाहे आपका रेस हो, आप उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं वो ज़्यादा अटैच हो रहे होते हैं अपने मज़हब से या अपने मुल्क से। तो इस मुल्क में भी ऐसा ही है। ये जो मस्जिद है इसका नाम कादरिया जिलानी इस्लामिक सेंटर है, ये भी किसी पाकिस्तानी ने ही ली हुई है, तो वो उसने इसको ख़रीदा है प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू और उसको रन करना शुरू किया है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कब्रें भी हैं क्रिश्चियंस की, यानी कई एक कब्र तो यहाँ पे 16वीं सदी की भी है, लेकिन 1960 के बाद यहाँ पे जो कब्रें बनाना बंद हो गई थी, तो तब से लेके इसमें कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि किसी कब्र को भी डिस्ट्रॉय ना किया जाए, ख़राब ना किया जाए, बल्कि काउंसिल को इस अशोटी पे ये जगह ली गई है कि हम इन कब्रों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और इनका ख्याल करेंगे और मुसलमान रखते भी हैं। तो क्योंकि ये चर्च था इसलिए ज़ाहिर है यहाँ पर क्रिश्चियंस दफन हुए हैं,
तो उसकी अपनी एफिलिएशन थी चर्च के साथ, लेकिन अब क्योंकि मस्जिद में कन्वर्ट हो गया है तो लोगों को यार ये नहीं होता कि कहीं कोई हमारी कब्रों को नुकसान हो जाए। हालांकि मुसलमानों में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम लोग किसी कब्रों को नुकसान नहीं पहुँचाते होते, बल्कि हम उसके रिस्पेक्ट करते होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है। एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 500 चर्चेज जो हैं लंदन में, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो कन्वर्ट हो गए हैं या तो होम्स में या अपार्टमेंट्स में या मस्जिदों में। ठीक है, लोग इनको ख़रीद लेते हैं, और क्योंकि ये यहाँ पे लीगल है कि अगर आपका चर्च नहीं रन कर आप उसे सेल कर सकते हो। कई कम्युनिटीज़ में इसको अच्छा नहीं मोरली समझा जाता, लेकिन यहाँ पे चल रहा है क्योंकि आपको पता है जो यूके है और या अमेरिका भी आप ले लो, ये लोग अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एथिज़म की तरफ चलना शुरू हो गए हुए हैं। तो ये बाय बुक आप देखोगे लिखा होगा क्रिश्चियन, बट इन रियलिटी दे आर एथिस्ट, क्योंकि आपने चर्च के साथ एफिलिएशन अपनी ख़त्म कर दी। जब आपने चर्च ही नहीं जाना, आपने अपनी प्रेयर्स ही नहीं करनी है, तो आप बस क्रिसमस ही मनानी है, तो वो मतलब। और क्रिसमस, मज़े की बात ये है, अगर आप देखा जाए ट्रेडिशनली क्रिश्चियन कल्चर भी नहीं है, ये तो पैगन से आया है। तो मतलब इस तरीके से वक्त गुजरता जाता है, नस्लों के साथ साथ आपके अंदर स्विच आता जाता है, और आप अपनी जो नेशनलिटी होती है, अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव होते हैं, आप उसे खो देते हैं। अब आप इसको किसी से पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी गए या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत गए, वो हर एक की अपनी पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन अगर हम इस चीज़ से एक छोटा सा तजिया करें, वो ये है कि अगर आप अपने कोर से दूर होते चले जाएंगे, आप अपनी वैल्यूज़ से दूर होते चले जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि आपकी जो बेसिस हैं वैल्यूज़ की, जैसे चर्चेज हैं हम समझते हैं हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ की बेस एक मस्जिद है, तो वो मस्जिदें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट होता है जब आपके ये इंस्टीट्यूट्स बंद होना शुरू हो जाएं। नो डाउट हम अपने मौलवियों को बुरा भला कहते हैं, हम इनको जो दिल में आए इनके बारे में बोलते हैं, मेरे से भी बात गलती होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को एग्री करूँगा कि वाकई इन लोगों ने इसको चलाया हुआ है, एटलीस्ट इसको मैनेज कर रहे हैं। वरना अदरवाइज़ कौन सा इंजीनियर आपने देखा जो मस्जिद में बैठ के मस्जिद को चला रहा हो, कौन सा डॉक्टर देखा है, उनको अपनी दुनियावी कामों से फुर्सत नहीं है। लेकिन यहाँ के जो मौलाना हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। बल्कि मैं आपको ये तो एक मस्जिद की मिसाल है, मैं आपको एक और मस्जिद भी है जो कि सीरियन कम्युनिटी ने बाय की है, इसको डीट्सबरी मॉस्क कहते हैं, वहाँ पे भी लेके चलूँगा, उसको भी दिखाऊँगा, वो भी पहले चर्च था। तो चलो लेट्स गो, वहाँ चलते हैं। अच्छा, ये हमारी दूसरी लोकेशन, इसको एल्बर्ट पार्क मेथोडिस्ट चर्च भी कहा जाता था, और ये अब मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। इसको एक अरब सीरियन फैमिली ने लिया, और इसका जो अब नाम पड़ गया वो मैनचेस्टर इस्लामिक सेंटर भी जिसको कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये डीट्सबरी मॉस्क की वजह से मशहूर है। तो इसकी भी तकरीबन 150 साल पुरानी हिस्ट्री है, 150 साल पहले ये चर्च बना था, उसके बाद 1962 में जाके या 60s में जाके वो चर्च ख़त्म हुआ, उसके बाद 67 में मेरे ख्याल जाके अरब फैमिली ने बाय किया और इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब ये वाली जो मस्जिद है, इसकी थोड़ा सा इसके साथ बुरा ये भी हुआ कि एक यहाँ पे आंडेल था, वहाँ पे मैनचेस्टर एरिना, सॉरी, आपने ख़बरों में सुना भी होगा, एक कोई सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ था, उसमें जो सुसाइडल बॉम्बर था वो बेसिकली इस मस्जिद में नमाज के लिए आता था, उसका बाप यहाँ पे अजान दिया करता था, ख़ुद वो लीबियन थे, और उसके बच्चों का भी इसी तरह सीन था कि बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते थे, उसके भाई सॉरी यहाँ पे पढ़ते थे। तो अब पुलिस ने भी आके यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो फिर वो मस्जिदों के ऊपर एक बहुत बुरा दबाव पड़ता है जब आपके मस्जिद के अंदर से कोई बंदा ऐसा आइडेंटिफाई हो जाए। हालाँकि मस्जिद का तो कसूर नहीं होता, वो बंदा इतना रिलीजियस भी नहीं था, कहा जाता है उसके वालदैन बेशक थे लेकिन वो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसी हरकत की कि जिस वजह से आपकी बाकी कम्युनिटी ख़राब हो जाती है। तो इस मस्जिद को काफ़ी दिन तक थ्रेट भी रहे लोगों से भी रहे कि डरते थे कि कहीं इस मस्जिद के ऊपर कोई आके अटैक ना कर दे, इसी चक्कर में कि इस मस्जिद का शायद वो बंदा था। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही नैरो और छोटी सोच है कि आप किसी जगह अगर कोई बंदा कोई हरकत करता है, बेसिकली ये उसके एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ जहाँ जाता है वो सारी जगहों बंद कर दिया जाए। वो बंदा कोई कोविड 19 का वायरस नहीं है,
कि वो जिस जिस जगह गया होगा अपना वायरस फैलाया होगा उसने, वो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी गलत हरकत है जिसको हर कोई जो है वो उसको बुरा ही कहता है, और उसकी वजह से किस तरीके से ये देखें आप बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। तो ये थी ये मस्जिद, सिर्फ यही मस्जिद नहीं है, सही है, इस टाइम यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें हैं जो बेसिकली चर्चेस से कन्वर्ट हो रही। और अगला सवाल ये आता है कि मुसलमान क्यों इंटरेस्टेड होते हैं चर्च को ही बाय करने में, है ना एक क्वेश्चन, भाई आप अपनी मस्जिद बना लो। तो यार उसका प्रॉब्लम शायद ये होता है जो मैं समझता हूँ, यूके में छोटी छोटी सारी स्पेसेस होती हैं, घर छोटे होते हैं, दूसरी जगहें छोटी होती हैं, तो मस्जिद के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो मस्जिद को या स्कूल चाहिए, या तो हमें स्कूल मिल जाए, या मस्जिद को ये चर्च सबसे अच्छी ऑप्शन होती है क्योंकि ये खुली स्पेस होती है। तो इसलिए जो जब भी कोई चर्च बिकने लगता है तो सबसे पहले जो मुसलमान की कम्युनिटीज़ होती है जो वहाँ पर इर्द गिर्द रहते हैं वो सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं कि हम चर्च को बाय कर लें। उसका उनको ये फ़ायदा होगा कि इसको मस्जिद बनाने में आसानी होगी, स्पेस काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है, आपको पता है ये चर्चेस का भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, खुली स्पेस होती है अंदर, तो इस वजह से फिर वो मुसलमान बाय करते हैं। और काफ़ी चर्चेज़ बाय कर चुके हैं, तो मैंने आपको सिर्फ दो चर्चेज़ दिखाए हैं, वो भी मैनचेस्टर के अंदर, मैनचेस्टर में और भी होंगे, ठीक है। लंदन में काफ़ी चर्चेज़ बंद हुए जैसे मैंने पहले भी बताया था और वो कन्वर्ट हुए, इसी तरह पूरे यूके के अंदर काफ़ी चर्चेज़ जो है वो मस्जिद में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सिर्फ मस्जिदों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो पहले जैसे बताया घरों में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एज अ इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने जो, अगर हम मुसलमान अपने आप को समझते हैं और हम अपने मस्जिदों का ख्याल करते हैं तो आप उसको चैरिटी दिया करें, मस्जिदों को रन किया करें, अदरवाइज़ अगर आप ही पैसे फाइनेंशियली उसको नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मस्जिद बेसिकली आपके लिए बनाई है, वो मस्जिद अपने लिए नहीं उसने बनाई, वो बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है भाई तुम्हारे जितने मसले होते हैं आके मुझसे डिस्कस करने हैं तो मस्जिद में आके कर लो। तो अब आपने उसके साथ पास जाके अगर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, तो जाहिर सी बात है उसको चलाना भी तो चाहिए ना क्या आपको। अगर आप बैठ जाएं और सोचें कि बस अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह ही चलाएगा, बेशक अल्लाह ही चलाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब से पैसे जाते हैं तो वो चलती है, सही है। तो अपनी मस्जिदों का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, अपनी कम्युनिटी का ख्याल करें, ताकि और टॉलरेंट मुआशरा बने, जैसे यूके का मुआशरा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के लोग, सिर्फ इस वजह से कि ये टॉलरेंट हैं, मुझे आज तक रिलीजियस किसी किस्म की इंटॉलरेंस का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ पे, मुझे किसी ने आज तक कोई गली नहीं दी, किसी ने गुरे ने किसी ने कुछ नहीं ऐसा उल्टा सीधा कहा कि जिस वजह से मुझे महसूस हो मैं यहाँ पे इनसिक्योर हूँ, ऐसी कभी मुझे फीलिंग नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूँ मैनचेस्टर को मैं अपना घर ही समझता हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान वगैरह कहीं से बिलोंग करते हैं यूके में मैनचेस्टर के बारे में सोचें तो मैनचेस्टर आ जाएं। मैनचेस्टर एक अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग टॉलरेंट है क्योंकि यहाँ पे लोग मुसलमानों के साथ रहते हैं, हर जगह मुसलमान मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद है, इन अदर वर्ड्स आप NHS चले जाएं, हॉस्पिटल्स चले जाएं, सर्जरियाँ चले जाएं, रेस्टोरेंट्स चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं आपको मिलेंगे। और मज़े की चीज़ यह है इनका रिलीजियस टॉलरेंस जो है लेवल इतना अच्छा है कि ये लोग अपने शॉपिंग सेंटर्स के अंदर भी एक प्रेयर रूम रखते हैं, सही है, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम कंट्री तो है नहीं और मुसलमान तो बिल्कुल थोड़ी सी परसेंटेज में है, शायद मेरा ख्याल है 5% होंगे या 7% होंगे पूरे यूके में मुसलमान। उसके बावजूद इन लोगों ने उनको जब कई टाउन सेंटर्स, जैसे मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो मैनचेस्टर में ट्रैफर्ड सेंटर है, आर्नडेल सेंटर है, ये बड़े दो शॉपिंग सेंटर्स हैं, इनमें मस्जिद मौजूद है, मस्जिद कह रहा हूँ प्रेयर की जगह, लेकिन वो उसको कहते हैं मल्टी फेथ प्रेयर एरिया जिसमें क्रिश्चियंस भी पढ़ सकते हैं अपनी, ज्यूज भी आ सकते हैं, मुसलमान भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्रिश्चियंस नहीं आते, तो इसलिए जाहिर सी बात है मुसलमानों के जानमाज ही पड़े होते हैं, वो मुसलमान चीते ही सारे वहाँ पे नमाज़ें पढ़े होते हैं, तो एक लिहाज से वो मुसलमानों का ही जगह बन जाती है। और जो ज्यूज होते हैं वो नॉर्मली अपनी घरों में और अपने सिनागोग में प्रेफर करते हैं प्रे करना, इसलिए ज्यूज भी वहाँ पे इतने नहीं आते। इसलिए आपको जब भी आप मल्टी फेथ सेंटर में जाएंगे, रूम में जाएंगे, आपको मुसलमानों की कुरान मिलेंगे और जानमाज मिलेंगे, आपको क्रिश्चियंस की बाइबल्स नहीं मिलेंगी क्योंकि लोग जाते ही नहीं हैं, पढ़ते नहीं, तो फ़ायदा। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी मल्टी फेथ रूम होता है, नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, यूके के अंदर। इसी तरह एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी मल्टी फेथ का रूम है, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर मुसलमानों के लिए। और जब मैं यहाँ पर आने लगा था तो मेरे जहन में यही सारे क्वेश्चंस थे कि बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है तो कहीं मुझे कहीं मेरी नमाज की फ्रीडम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे जहाँ भी जॉब की है, मैंने सिक्योरिटी में भी जॉब की है गुरुओं के पास, मैंने एक इंडियन के पास भी जॉब की है, बेसिकली वो इंडियन हिंदू थे और वो क्या कहते हैं बोर्न यहाँ के थे,
उनके वेयर हाउस में मैंने काम किया। मैं वहाँ पे भी अपनी नमाज मैंने नहीं छोड़ता था, नमाज मैंने पढ़ी है वहाँ पे भी, और मुझे उनकी तरफ से भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, कम्युनिटीज़ की सूरत में लोग सारे मिलके रहते हैं और लोग इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि हम किसी की जो प्रेयर की, अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता था तो हम उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको उसकी चीज़ की इजाज़त दी जाए। तो हमें भी चाहिए अपने मुल्कों के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर हम मुसलमान मेजॉरिटी में हैं तो हमारे पास माइनॉरिटी में अगर क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, हमें चाहिए हमें उनके टेम्पल्स का, चर्चेस का ख्याल करना चाहिए, उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके रिलीजन को हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आप भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में मौजूद हैं। तो जैसे आपके एक्शंस होंगे दूसरों को आप वैसे ही डिलीवर करेंगे मैसेज कि भाई देखो मैं से। और एक और मज़े की चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जब ये चर्चेस मस्जिद में कन्वर्ट हो रहे थे तो कुछ छोटी सी इनकी परसेंटेज लोगों की इसके अगेंस्ट भी आई, तो कई लोगों ने पिटीशन भी डालने की कोशिश की, तो वो पिटीशन भी उस पर लोगों ने साइन ही नहीं किया। ठीक है, उसमें से तीन बंदे आप देखोगे साइन करके बैठे हुए हैं, वो पिटीशन किसी ने साइन नहीं किया कि चर्चेस को मस्जिद में ना कन्वर्ट किया जाए। लोग बल्कि इसको कई लोगों ने, गोरों ने बुरा समझना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई क्यों, इस खाली स्पेस है, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, मस्जिद में कन्वर्ट होती है तो हो जाए। मतलब कितनी ज़बरदस्त इन लोगों की सोच है। तो हम लोगों को भी चाहिए अच्छी सोच रखें और दूसरों के रिलीजस का ख्याल रखें, रिलीजन का ख्याल रखें, मज़हब का ख्याल रखें। तो यही मेरी आज की टिप है आप लोगों के लिए कि अपने शऊर को एक्सपेंड करें, अपने जेन को खुला करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, अपना आपने जो फॉलो करना है आप करें, आपसे आपकी क्वेश्चन होगा आप अपना मैसेज स्प्रेड करें, डेफिनेटली करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी के सर के ऊपर चढ़ के ना उसके ऊपर डिस करें, क्योंकि वो ना खुदा को पसंद है और ना उसका कोई फ़ायदा होने वाला है। तो और ये देखें आजकल जो जो मस्जिदें कन्वर्ट, चर्चेज मस्जिद में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ी निशानी है। लोग पहले कहा करते थे कि पता नहीं मुसलमानों ने वो ज़बरदस्ती चर्चों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, पुराने दौर की बातें। अब देखिए अब तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, हम आपके मुल्क में हम माइनॉरिटी में हैं, चर्चेज मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें हमारा कसूर तो ना हुआ। ये तो लोगों की अपनी चीज़ है कि लोग नहीं जा रहे चर्चों में, तो उनको अगर इस्लाम में राह मिल रही है या जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे अपनी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।